ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇ ਕੀ ਚਾਲ ਤੋ ਕੈਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੋਪ ਕਰ ਤੋ ਸਭ ਬੜੀ ਹੋਗੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੋ ਅੱਜ ਕੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਰ ਹਟਕੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਫ ਤੋ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੁਲੇਟ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬੁਰਾਈ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ ਤੋ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਉਂਗਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਬੁਲੇਟ ਕਲਾਸਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਿਗਨਲਸ ਐਡੀਸ਼ਨ और 2019 मॉडल है BS4। तो आज इसकी डिसएडवांटेजेस बताऊंगा मैं आप लोगों को, डिसएडवांटेजेस कह लो या व्हाई नॉट टू बाय अ क्लासिक 350 सिग्नल्स या बुलेट, जो भी है सारी सेम रहती हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो यार ये है मेरी बुलेट रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स एडिशन, 2019 मॉडल है। मैंने 2019 अक्टूबर में परचेज करा था। BS4 है ये, और इसकी पीछे वाली सीट हटा रखी है। तो पहले तो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लग रही है बाइक इस साइड से या इस साइड से, और सजेशन देना अपना कि सीट लगाऊं या ना लगाऊं। तो चलो इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं और काफ़ी कुछ बताऊंगा मैं इसके बारे में, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यार देखो मेरे पास पल्सर भी रह चुकी है और काफ़ी बाइकें चला चुका, तो काफ़ी डिसएडवांटेज लगी हैं मेरे इसको, मतलब इसके अंदर ये बात नहीं है, मतलब काफ़ी सारी एडवांटेजेस भी हैं, तो वो भी क्लियर करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो इसकी डिसएडवांटेजेस शुरू करते हैं। पहले डिसएडवांटेज ये है कि इसका पेंट, यार इसका पेंट में क्या दिक्कत है कि यार इसका पेंट बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है। आप देख सकते हो छोटा सा पत्थर लगा हुआ है और कुछ भी होता है मतलब इसके पेंट पे निशान बढ़ जाता है। आपको इस साइड से दिख जाएगा ये काला पार्ट, ये इस पे निशान पड़ गया पता नहीं कैसे। इस साइड भी है ये देखो, इधर पता नहीं टच, ये सिर्फ तार से टच होने पर हो गया। इसकी ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज लगी मेरे को कि इसके अंदर ना मतलब पेंट का आपको काफी केयर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बिना लेमिनेशन के इसको एक बार ही कहीं बाहर से धुलवा ली, गलती से इसको सर्फ या कुछ भी लग जाता है, दूसरी वाली पॉलिश लग जाती है, तो इसका सारा मैट पेंट खराब हो जाएगा और बन जाएगी आपकी बाइक ग्लॉसी, जिसके लिए आपने 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा दिए थे। तो सबसे पहली दिक्कत इसकी पेंट की लगती है कि पेंट इसका बहुत जल्दी है। दूसरी चीज आती है इसकी रस्ट की, तो जैसे कि आपको पता ही होगा पूरी बाइक लोहे की है, तो इसके अंदर यार रस्ट की भी बहुत दिक्कत आती है। तो अभी मेरी बाइक को पूरा 1 साल 2-3 महीने हुए हैं, तो आपको मैं रस्ट दिखाता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये बाइक की चेसी के ऊपर रस्ट है, ये इसका लेग गार्ड का नहीं है। ये देखो इस साइड भी सारा रस्ट लग चुका है। तीसरा आप ये देखो यहाँ पे भी रस्ट है। चौथी जगह ये देख लो यार, इसका कंपनी फिटेड ये हैंड रेस्ट है और इस पे भी रेस्ट लग चुका है। लोग बोलेंगे कि ये बाइक की केयर करने की वजह से नहीं, तो पहले बता दूं मैं अपनी बाइक की बहुत ज्यादा केयर करता हूँ, जिधर जिधर हो सकता है इसकी पेंट प्रोटेक्शन के लिए और सब कुछ मैंने करा। मीटर की रस्टिंग के लिए ये कवर है, इसका एम मीटर का भी कवर मैंने लगाया हुआ था, पूरी बाइक पे लेमिनेशन हो रखी है। ये देखो इस साइड से भी दिख जाएगा आपको। प्रॉब्लम सिर्फ मेरे में नहीं है, मेरे सारे जितने भी दोस्त सबके पास बुलेट है, तो सबके अंदर ये रस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है। 1 साल के अंदर अंदर आपकी बाइक पे 3-4 जगहों पे रस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हुए 2 पॉइंट, पहला पेंट इसका मतलब डेलिकेट है, दूसरा रस्टिंग की प्रॉब्लम है, तीसरा पॉइंट आता है इसका एवरेज। तो यार देखो एवरेज पता नहीं मेरी वाली की कम है, मैं आपको पहले भी वीडियो में बोल चुका कि इसकी एवरेज 25 से ज्यादा मेरे को आज तक नहीं मिली। बीच में एक बार, और ये विद साइलेंसर है, मतलब जो इसका कंपनी फिटेड साइलेंसर था, अभी मैंने इसके अंदर दूसरा साइलेंसर लगा रखा है डॉल्फिन, तो साइलेंसर से भी एवरेज का फर्क पड़ता है। तो जिन लोगों का एवरेज ज्यादा चाहिए वो कंपनी का साइलेंसर लगा के रखो, लेकिन जो इसका कंपनी फिटेड साइलेंसर था उसका भी इसके अंदर एवरेज आ रहा था 25-26, इससे ज्यादा नहीं आया। एक बार इसने एवरेज दी थी 29 की, मतलब कंपनी आपको क्लेम करती है 35-40 की, लेकिन 35-40 नहीं है, ये एक्सपेक्ट करके बुलेट मत लेना। मेरी वाली बुलेट 30 से ज्यादा की आज तक इसने एवरेज नहीं निकाली। ये हो गए 3 पॉइंट। चौथे पॉइंट पे हम आते हैं, तो यार देखो इसका है कि पूरी बाइक लोहे की है, मतलब नटों का बहुत सारा काम है, तो इसकी चौथी प्रॉब्लम आती है जॉइंट्स के अंदर। तो इसकी जिधर भी जॉइंट है, जिधर नट लगे हुए ना, तो देखो यार बुलेट के अंदर सबको पता है वाइब्रेशन बाय बर्थ है,
बहुत ज्यादा मतलब वाइब्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उससे क्या आपके नट हिलते रहते हैं और ढीले हो जाते हैं। तो यार देखो इसमें इसके अंदर आपको हर थोड़े दिन में कोई ना कोई नट टाइट करवाना पड़ेगा, जैसे कि इनके लोहे वाले पार्ट के नट है ये ढीले हो जाते हैं, कभी कभार ये साइलेंसर कवर के ये वाला नट ढीला होता है बहुत बारी, ये बाइक लेने के एक दो महीने बाद से हर थोड़े दिन में ढीला हो जाता है। ब्रेक वाला नट है ये वाला, ये भी बहुत ज्यादा ढीला होता है, इसको भी हर थोड़े दिन में टाइट करवाना पड़ता है। चौथा है बेंड पाइप का नट, ये भी ढीला होता है, इससे क्या आपकी फिर एयर लीक होगी और आपको अलग अलग सी आवाज आएगी। यार इसकी चौथी प्रॉब्लम नट की जॉइंट्स की, कि नट इसके बहुत ज्यादा ढीले होते हैं। तो पांचवी डिसएडवांटेज पे आते कि यार देखो काफी लोग सोचते होंगे जो पहले 110cc या 150cc की बाइक चला रहे थे, वो सोचते होंगे कि 350cc पे जंप करेंगे तो हाई स्पीड देखने को मिलेगी। तो मैं आपको पहले बता दूं इसकी टॉप स्पीड 110 से ज्यादा नहीं है, 110-115 हद से हद 120 जाएगी, उससे ज्यादा ये बाइक जा नहीं सकती। जबकि यार पल्सर 150cc है, उसकी टॉप स्पीड 112 है, जो कि मैं खुद लेके गया हूं और ये 110 से ऊपर नहीं उठी थी, तो ये डिफरेंस है। तो 350cc के बाइक से आप ये एक्सपेक्ट मत करना बुलेट से कि आपको 140-150 की टॉप स्पीड देगी, नहीं देगी, 110-115 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो नो डाउट इसकी क्रूजिंग स्पीड जो 80-90 है वो बहुत अच्छी है, 80 पे बहुत स्मूथ चलती है, तो क्रूजिंग के लिए अच्छी है बाइक, लेकिन टॉप स्पीड इससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। चौथा पांचवें पॉइंट हो चुके हैं, अब मैं आपको बताऊंगा छठा पॉइंट। इसकी लाइट में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। देखो मेरे पास पल्सर थी, उसकी लाइट 8 साल हो चुकी है उस बाइक को, आज तक उसकी कोई लाइट कोई बल्ब चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो इसकी पार्किंग लाइट्स हैं, इसका ये राइट साइड वाला बल्ब ये बहुत मतलब कम से कम नहीं तो 3-4 बारी चेंज हो चुका, 3-4 बारी ये बल्ब फूक चुका, पता नहीं क्यों फूकता है, क्योंकि इसके ये तो BS4 इसकी तो डायरेक्ट मतलब बैटरी से है, फिर भी पता नहीं क्यों ये 3-4 बारी ये बल्ब चेंज हो चुका मेरा, बल्ब तो, इसका 3-4 बारी चेंज हो चुका जो पल्सर में आज तक नहीं हुआ। तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन यार देखो 1 साल 2 महीने बाइक को हुए और 3-4 बारी एक ही बल्ब बार बार ही चेंज होना, तो ये भी मैटर करता है, तो इसके बल्ब में भी प्रॉब्लम। जो लोग आते हैं सातवें पॉइंट पे, जो इतना मतलब वो ज्यादा मेन नहीं है, वो ये कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ क्रूजिंग के लिए इस बाइक को ले रहे हैं, तो उनमें देखो उनको डेफिनेटली कोई ना कोई इस बाइक के अंदर काम कराना पड़ेगा। देखो सीट चेंज मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि सीट मेरे को बहुत अच्छी लगी इसकी, ठीक है। हैंडल बार में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम राइडिंग करता तो उसके लिए हैंडल मैं आपको बता दूंगा, हैंडल है RD 350, जिन लोगों को ज्यादा मतलब क्रूज करना है और कंफर्टेबल उन्हें हैंडल चाहिए तो बुलेट के लिए आता है RD 350 हैंडल, वो आप ले सकते हो, वो मतलब अच्छा है, कंफर्टेबल है। बाकी मतलब शॉर्ट राइड्स के लिए मतलब 400-500 किलोमीटर के लिए आपको कोई जरूरत नहीं इसका हैंडल बदलवाने की, लेकिन जो बदलवाने वाली चीज़ है वो इसकी लाइट है। इसका जो मतलब लाइट का थ्रो है वो गोल है तो इसलिए अच्छा थ्रो जाता है, लेकिन जो इसका बल्ब है वो बहुत मतलब कम का है, मतलब रोशनी इतनी अच्छी नहीं है, अगर आप नाइट में ट्रैवल करते हो तो आपको एक्स्ट्रा लाइटनिंग चाहिए ही चाहिए, तो इसकी लाइटनिंग थोड़ी सी कम है, डिम है। तो इसका सातवां पॉइंट आता है कि इसकी लाइटनिंग थोड़ी अच्छी हो तो अच्छा हो सकता है। अपने यार पेंट वाले पॉइंट में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि इसके देखो जैसे आप देख सकते हो रिम है ब्लैक कलर के, तो इन ब्लैक कलर के रिम्स में क्या होता है कि जैसे मेरी बाइक एक दो बारी पंचर हुई है तो जो वो पाना होता है वो लगते ही इनका पेंट हट जाता है, तो इनका रिम का पेंट बहुत ज्यादा ही डेलिकेट है, मतलब आपको मतलब उसका पेंट आप बचा भी नहीं सकते, आप वहां पे कोई फिल्म नहीं चढ़ा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो आपको पेंट या तो टाइम टू टाइम करवाना पड़ेगा या साफ रखो जो भी है, पत्थरों से बचाओ, क्योंकि इसके अंदर एक दो बारी पंचर हुआ और जो है वो खोलते हैं टायर को, उस टच होने से ही इसका पेंट हट जाता है। तो जिन लोगों को पेंट से बाइक से प्यार है उनको ये काफी दुखेगा, तो इसके पेंट का यार बहुत बड़ा इशू है, तो पेंट का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, बाकी बाइकों में ऐसा नहीं है। इतनी सी कुछ वीडियो, देखो वीडियो काफी शॉर्ट बनाई है मैंने, शॉर्ट एंड सिंपल, मैं इस वीडियो में कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था बिना किसी बकवास के, तो ये वीडियो मैंने बनाई है। लेकिन जो लोग भी ये मतलब डिसएडवांटेज वाली वीडियो है, एडवांटेज वाली भी डालूंगा एक और, तो इस पे जज मत करना। देखो बाकी चीजें सारी बाइक में बहुत अच्छी है, ये तो कुछ मतलब थे, मतलब हर चीज हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जैसे, तो कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, तो इसकी नेगेटिव साइड थी। बाकी जो भी बाइक लेना चाह रहे हैं वो मतलब आंखें बंद करके ले, बहुत ट्रस्टवर्दी बाइक है, कभी भरोसा नहीं तोड़ेगी। तो एडवांटेजेस वाली वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो इस वीडियो पे जो जो ये चीजें एग्री करता है जो नहीं करता वो भी इसको लाइक करो, कमेंट करो, और अगर और कोई डिसएडवांटेज आपको अपनी बुलेट में फेस करनी पड़ी है तो वो जरूर बताना, तो कमेंट में बताना जरूर, शेयर कर दो इस वीडियो को जितना कर सकते हो, जो लोग बुलेट लेना चाहते हैं उस वीडियो को जरूर देखें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को मेरी अच्छी अच्छी घूमने फिरने की वीडियोस के लिए, व्लॉग्स के लिए, और बाइक के रिव्यूज में डालता रहता हूं,
तो चलो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो अच्छी अच्छी फोटोज के लिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है chiranjeev_bhardwaj, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो नीचे जाओ उसको देखो, इधर लाइक का बटन, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दो, सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन आ रहा होगा उसे भी। तो चलो मिलते हैं अगली सी बढ़िया सी वीडियो में, अगली वीडियो एडवांटेज की होने वाली है, तो उसपे प्यार बरसाना, इस पे बरसाओ। टिल देन टाटा, बाय बाय, लव यू, शब्बा खैर, गुड नाइट।